हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन जीआईबीसीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित मिलता रहे आपको। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीआईबीसीआईबी का एग्जाम डिफरेंसेस, ठीक है। तो पर हम जीआईबी से शुरुआत करते हैं। तो जीआईबी का पेपर एज कम्पेयर टू सीआईबी काफी आसान है, ठीक है। और ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। थ्योरेटिकल का मतलब कुछ भी इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। जो आपका बुक प्रेस्क्राइब्ड है, मैकमिलन बुक, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पास कर जाइएगा। इतना जरूर है कि पास कर जाइएगा, 50, 51, 52, 53 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पर आपको अकाउंटिंग के केस में यहाँ पे न्यूमेरिकल और केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे 25, तो इस कारण से अकाउंटिंग का पेपर हो जाता है टफ, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल है, केस स्टडी है, ये तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो थ्योरेटिकल है नहीं, समझना पड़ेगा। पढ़ना मतलब समझना पड़ेगा कैसे बना रहे, कैसे सॉल्व कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेशियो की बात करें, तीनों पेपर अगर आप दे देते हैं, ठीक है, और पहले अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने वाले 100 में से केवल 7 लोग हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको मैकलन बुक प्रेस्क्राइब किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 सवाल मैकलन बुक से ही आ जाएंगे, ठीक है। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया, मतलब सारे बच्चे मैकमिलन की बुक खरीदते हैं, सारे बच्चे मैकमिलन की बुक पढ़ के भी जाते हैं, फिर भी सक्सेस रेशियो नहीं होता। आप किसी के भी मुंह से पूछिएगा तो कोई बताएगा, एक पेपर निकला, दो पेपर रह गया, दो पेपर निकला, एक पेपर रह गया, मैं 3 बार से दे रहा हूँ, मैं 2 बार से दे रहा हूँ, मैं 4 बार से दे रहा हूँ, आप यही सब सुनिएगा। तो यहाँ पे बोलने IABF ने क्या किया कि आपको एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के हिसाब से उन्होंने एक बुक बना दिया है, पर ये मतलब नहीं है कि उस बुक से ही सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कोई बच्चा फेल नहीं करता, ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसा होता तो कोई बच्चा फेल नहीं करता। आप उदाहरण के लिए अगर क्लास 10th का NCERT की बुक ले लीजिए, उसके अलावा आप कई सारे बुक खरीदते हैं, एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री बुक जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि बेस बुक तो आपका NCERT है, पर उसके सपोर्ट में आप कई सारे बुक खरीदते हैं। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब 10th 12th देते हो, वहाँ पे नंबर मैटर करता है, तो वहाँ पे आप इसलिए सपोर्ट बुक लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जीआईबी में वैसा ही कुछ है। आप एक सिलेबस जरूर प्रेस्क्राइब कर दिया इन्होंने, उस सिलेबस के आधार पर उन्होंने बुक भी बना दिया है, पर आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सारे सवाल बुक के नहीं रहते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के रहते हैं, कुछ इधर उधर से रहते हैं। और यही कारण है जो लोग पास भी करते हैं, आप उनका नंबर पूछेंगे तो 50 नंबर है, किसी का 52 नंबर है, किसी का 51 नंबर है, किसी का 55 नंबर है, बस। बट किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा कि आप 85 नंबर है, 88 नंबर है, ओके, या 70 नंबर भी नहीं सुनिएगा आप, ठीक है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। सीआईबी की बात करते हैं तो सीआईबी में भी क्या है कि पेपर बहुत टफ है, पेपर वाकई में बहुत टफ है, एज कम्पेयर टू जीआईबी बहुत ही टफ है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर 60% ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड है। जो आप मैकमिलन की बुक पढ़ेंगे तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड की अगर हम बात करें तो हमें केवल 60% का ही चीज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, एक और ये टफनेस बढ़ा देता है। दूसरा चीज क्या है, तो दोनों कंपलसरी पेपर की बात करें, एडवांस बैंक मैनेजमेंट यानी ABM, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM, तो इन दोनों पेपर में क्या है कि जो केस स्टडी है, न्यूमेरिकल का है, ये इनके सवाल 40% सवाल इनके यहीं से आते हैं, ठीक है, केस स्टडी न्यूमेरिकल से आ जाते हैं 40% सवाल, और इस कारण से ये पेपर टफ हो जाता है। और ये सवाल आपको मैकमिलन बुक में भी नहीं मिलेगा। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो मैकमिलन बुक में खुद केस स्टडी नहीं है। अगर आप रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो अगर आप ऑप्शन पेपर रिटेल बैंकिंग लेते हैं, सबसे आसान रिटेल बैंकिंग ही माना जाता है, पर यहाँ पे भी क्या है कि 30% का क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल या फिर केस स्टडी के रूप में पूछ लिया जा रहा है। और यहाँ पर सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तीनों पेपर को पास करने वाला 100 में से केवल 1 बच्चा मिलता है आपको, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में। ये सब चीजें जो सीआईबी को टफ बना देती है, ठीक है। अब आप 4 बार दे रहे हो, 5 बार दे रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीआईबी पहले अटेम्प्ट की बात करी भाई। आपने तीनों पेपर दिया, पहले अटेम्प्ट में निकल गया। टिप्स है, दोनों पेपर दे रहे हो, जो जीआईबी भी दे रहे हैं या फिर कोई सीआईबी जो दे रहे हैं, उन दोनों के लिए टिप्स है कि आप पढ़ाई चालू करिए, प्रॉपर टाइमिंग में चालू करिए, प्रॉपर प्लान बनाइए, सही समय पे चालू करिए। सबसे बढ़िया बात क्या है, सही समय पे चालू करिए। अगर जो बंदा 90 दिन पहले पढ़ाई चालू कर दे रहा, आधा आधा घंटा भी पढ़ाई कर पाया, तो मेरे समझ से वो आराम से निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जो बंदा 45 दिन बचे एग्जाम के तब वो ज्वाइन करता है, तो उसको 1-1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर पेपर, ठीक है, आधा घंटा पर पेपर हो गया, 1 घंटा पर पेपर हो गया, ठीक है। और जो बंदा एकदम मान लीजिए कि 20 दिन में ज्वाइन कर रहा है, उसको 2 घंटा पर पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सीधा सा बात है। पढ़ाई तो घटेगा नहीं किसी के लिए, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो पढ़ाई घटेगा नहीं, पढ़ाई तो उतना का उतना ही रहेगा। और एक खास बात और मैं बोलूंगा कि आप प्योर बुक पे डिपेंडेंट मत रहिए,
कि जो आपके मैकलिन बुक है यानी जो बेस बुक वही पढ़ के जाएंगे तो होगा क्या, पढ़ कर तो जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि पास करोगे भी कि नहीं करोगे, एकदम साफ साफ बात बता देते हैं। ठीक है, जेआईबी में तो काम भी कर जाएगा मैकलिन बुक, हो सकता है कि 51, 52, 53 नंबर आ भी जाए, पर सीआईबी में बिल्कुल नहीं करेगा। सीआईबी में इसलिए नहीं करेगा कि 60% ही का तो सवाल आपका थ्योरेटिकल है, बाकी 40% केस स्टडी है, और एक सिंगल केस स्टडी मैकलिन बुक में नहीं मिलेगा, एक सिंगल बुक की बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, मैकलिन बुक अपडेट भी नहीं होती, मैकलिन बुक में बीमारी क्या है कि अपडेशन भी नहीं करते हैं। ठीक है, और समय नहीं होने की वजह से सभी लोग बैंक में काम कर रहे हैं, रात के 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं, मान लीजिए जो बच्चे लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे पहुंच रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, एकदम चूसे हुए आम की तरह हो जाता है कि फिर से पढ़ो करो पूरा इंटायर बुक, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 3-3 बुक, तो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे तो बढ़िया है कि आप आउटसाइड हेल्प लेते हैं। क्या होता आउटसाइड हेल्प का मतलब, जैसे कि आपने कोई वीडियोस देख लिया, कोई नोट्स देख लिया, क्वेश्चन बैंक देख लिया, केस स्टडी देख लिया, जो कि मतलब आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप आउटसाइड हेल्प ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हेल्प, जैसे कोई वीडियो देखा, नोट्स देखा, क्वेश्चन बैंक देखा, केस स्टडी देखा, फिर या कोई ऐसा आदमी जिससे कि आप इश्यूज, आपको जो प्रॉब्लम है आप उसे रिजॉल्व करा सक रहे हो। ठीक है, और सारा चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अप टू डेट होना चाहिए जो भी चीज है, और ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड मटेरियल क्या है कि हम वो पढ़ें तो पास कर ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मटेरियल भी ले लिया, पता चला हवा वाई हो गए, एग्जाम देने गए तो फेल कर गए, कोई काम करनी ऐसा मटेरियल। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो हमारे साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है जो कि वैलिड है केवल 15 जुलाई 2018 तक, लास्ट के 2 दिन बचे हैं, आज और कल। ठीक है, हम इसमें क्या ऑफर दे रहे हैं आपको, जेआईबी या सीआईबी कोर्स से पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, 1000 जिसमें कि 1000 सेट का प्रीवियस ईयर है और 1000 सेट का एक्सपेक्टेड है, क्विक रिविजन नोट्स रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। आप कोई भी सिंगल जेआईबी, सिंगल सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का कोर्स खरीदते हैं जिसका दाम एक्चुअली में 2000 रुपये, ऑफर में ले रहे हैं तो 600 रुपये में मिलेगा, और कोई भी जेआईबी का कॉम्बो पैक लेते हैं तीनों पेपर खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर में ले रहे हैं तो 1500 रुपये रहेगा आपको। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं एबीएम प्लस बीएफएम, इसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर में लेंगे तो 1100 रुपये का रहेगा। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग करते हैं इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर में लेने से 1500 रुपये का रहेगा। 10 मॉक टेस्ट लेंगे कोई भी प्रकार इसका दाम है 199 रुपीज, और कॉमो पैक लेंगे मॉक टेस्ट इसका दाम है 399 रुपीज। ठीक है, और इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते, हमारा फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sitsina123@gmail.com। आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।